अभी जो क्वेरी है मेरे पास है IRFC के लिए 400 शेयर्स है एट द रेट 49। सर ओके okay. चलिए राजेश जी से पूछते हैं. जी मैं बताइए. इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, एटलीस्ट 1 ईयर और 6 मंथ 2 ईयर्स, एक बड़े टारगेट के लिए। ठीक राजेश जी, पहले IRFC 49 रुपए की खरीद है इनकी और 176 पे चल रहा है इसमें, लेकिन बड़े टारगेट के लिए रखना चाहते हैं, समय की पाबंदी नहीं है, साल 1.5 साल रख सकते हैं IRFC. हाँ जी मेरे जी, देखिए मुझे लगता है कि IRFC कंसोलिडेट कर रहा है. कंसोलिडेशन बहुत ही एक छोटे दायरे में है. 170-180 का ये कंसोलिडेशन है. मुझे लगता है इवेंचुअली 180 को सरपास करेगा और इसका जो रिसेंट हाई था करीबन 200 के आसपास, तो वहां तक जाएगा. सामने बजट है तो देखिए ये सेक्टर पूरा फोकस में रहेगा, तो मेरे तरफ से तो होल्ड ही रहेगा. स्टॉप लॉस होगा 160 का. ओके 160 की स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें. और जिंदल स्टेनलेस में वहां पे क्या राय बन रही है? देखिए जिंदाल स्टेनलेस, अगर ओवरऑल उनका नजरिया थोड़ा सा लंबा है, जिंदाल स्टेनलेस 817, देखिए इसमें 800 पे बेस बन रहा है, 790 800, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है. मुझे लगता है जब तक ये क्लस्टर को मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. सामने मुझे लगता है 850 से लेके 870, ये इसका एक स्विंग का टारगेट है. प्रोबेबली आप कह सकते हैं 10-15 दिन में ये स्विंग मिल जाएगा. तो यहाँ पे होल्ड की सलाह होगी, क्योंकि हमने 800 के सपोर्ट की बात की, स्टॉप लॉस होगा 785 का. ओके तो ये रहा है जिंदल स्टेनलेस पे. और चलिए अगला.